वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम दीपमाला और मैं हूँ दीपमाला। एज यू नो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इयररिंग कलेक्शन, और इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज अगर मैंने एक ही वीडियो में इसे ऐड किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। तो एक में मैं आपको बताऊंगी अपने रेगुलर तो नहीं कह सकते, बट अपने जो कॉमन इयररिंग्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे मार्केट जाते वक्त या कहीं भी जाते वक्त पहनती हूँ, और एक होंगे फैंसी इयररिंग्स जिन्हें मैं सिर्फ शादी पार्टी वगैरह में और किसी स्पेशल ओकेशन पर पहनती हूँ फैंसी इयररिंग्स, तो वो होंगे। तो इस तरह से मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। तो आज है इसका फर्स्ट पार्ट, तो आज एंजॉय कीजिए, सेकंड पार्ट आएगा कल। तो इस सीरीज में जो सबसे पहले इयररिंग्स हैं वो हैं ये, जो मैंने ऑलरेडी अभी वियर किए हुए हैं, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह के इयररिंग्स हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के इयररिंग्स आप कौन सी तरह की ड्रेसेस पे पहन सकते हैं। तो ये जो इयररिंग्स हैं ये बेसिकली आप वेस्टर्न ड्रेसेस पर पहनेंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन आप इन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहनते हैं जैसे कि जींस टॉप हो गए या आपका कोई शॉर्ट ड्रेस हो गया, तो इस टाइप की ड्रेसेस पर आप पहनेंगे तो ये वाले इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, बहुत ही ऑसम लगने वाले हैं। एक बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कैसे हैं ये इयररिंग्स और क्या इनकी डिटेलिंग है। ये देखिए, कुछ इस तरह के हैं ये वाले इयररिंग्स और कुछ इस तरह की डिटेलिंग की हुई है इन इयररिंग्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से जो है काम किया हुआ है, ये पेंट नहीं है, ये उभरा हुआ वर्क है इसके ऊपर, तो कुछ इस तरह से काम है इसके ऊपर। चलिए देखते हैं जल्दी से सेकेंड इयररिंग्स। तो ये है इस सीरीज में सेकेंड इयररिंग, देख रहे हैं जैसे कि आप, ये बहुत ही सुंदर सा पिकॉक वाला डिजाइन है और नीचे इसमें बहुत सारे घुंघरू लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा सा वॉइस भी देते हैं, और बहुत माइनर सा है, बहुत ज्यादा नहीं है जो आपको अफेक्ट करे या आपको चुभे, वैसा नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सा है। और कुछ इस तरह के हैं, पास से देखिए आप, कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये, और बहुत ही सुंदर है। और इस तरह के जो इयररिंग्स हैं आप इन्हें इंडियन ड्रेसेस पर पहन सकते हैं, और आप इंडियन ड्रेसेस पर पहनेंगे तो ये इयररिंग्स बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह के लगने वाले हैं आपके कानों में, और आप इन्हें इंडियन ड्रेसेस पर पहन सकते हैं, यानी जो भी सूट वगैरह इस तरह के इंडियन ड्रेसेस होते हैं उन पर, और उन पर ये इयररिंग्स बहुत सुंदर लगते हैं, और मैं अपने इंडियन ड्रेसेस के साथ कई बार इन्हें वेयर कर चुकी हूँ। एक चीज और है कि इसमें कोई भी कलर नहीं है, तो आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ, न्यूट्रल है तो आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ इन्हें पहन सकते हैं। उसके बाद है ये, देखिए ये चौकोर से इयररिंग्स, आई होप कि आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए कुछ इस तरह के हैं ये, और इन्हें आप वेस्टर्न ड्रेसेस पर पहनेंगे तो ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। अभी मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ कि कैसे लगेंगे ये। तो कुछ इस तरह के लगने वाले हैं आपकी वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ ये, तो आप इन्हें अपनी शॉर्ट ड्रेसेस, जींस टॉप और इस तरह की ड्रेसेस के साथ पहनेंगे, गाउन्स वगैरह के साथ, तो ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। उसके बाद है ये बहुत ही सुंदर इयररिंग्स हैं, देखिए कुछ इस तरह से लगेंगे देखने में, बहुत ही सुंदर इयररिंग्स हैं, और आप इन्हें इंडियन ड्रेसेस के साथ पहनेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट आप इन्हें गाउन वगैरह पे डालिए तो भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये, तो इस तरह से आप इन्हें स्टाइल कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं आपके किसी भी अटायर के साथ। और ये जो मैंने आपको इयररिंग्स बताए हैं, जितने भी इयररिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, मैं इनके प्राइजेस बताना भूल गई, ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये हैं 30 रुपीज के, अगेन ये इयररिंग्स भी 30 रुपीज के हैं, ये हैं 25 रुपीज के, 25 रुपए के, ये हैं 20 रुपीज के। उसके बाद हैं ये कलरफुल इयररिंग्स, ऑरेंज कलर के हैं ये, देखिए आप, और किस तरह का इसका डिजाइन है, कुछ इस तरह का डिजाइन है, इसमें नीचे टैसल्स लटक रहे हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये कानों में, इस तरह से दिखाई देते हैं ये आपके कानों में, और किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ आप पहनेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से जाने वाले हैं, एंड अगेन ये 30 रुपीज के हैं। और ये जितने भी इयररिंग्स मैं आपको बता रही हूँ ये सभी मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। इसी तरह का ये एक और है ब्लैक कलर का, और ये भी 30 रुपीज का है, और इसे आप किसी भी ब्लैक अटायर के साथ डाल सकते हैं, इसलिए ये ब्लैक कलर लिया हुआ है मैंने, मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस है उसके साथ ये बहुत ही अच्छे से जाता है और कुछ इस तरह का लगता है, और किसी भी इंडियन अटायर के साथ आप इसे वेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए,
ये बहुत ही ब्यूटीफुल झुमकियां हैं, बहुत सुंदर हैं, और आप इसे सूट के साथ पहनेंगे, किसी पंजाबी कुर्ती के साथ या नॉर्मल किसी लॉन्ग कुर्ती के साथ अगर आप इसे वेयर करेंगे तो ये बहुत ऑसम लगने वाला है, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। देखिए कुछ इस तरह से लगता है ये आपके कानों में, हाउ नाइस, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और जब आप किसी कुर्ती के साथ इसे वेयर करते हैं तो ये आपके लुक में चार चांद लगा देता है, किसी इंडियन ड्रेस को ये बहुत ही अच्छे से डिफाइनिंग लुक देता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है मेरा। अगेन ये भी 30 रुपीज के हैं। उसके बाद है ये थोड़े से छोटे साइज के हैं और कुछ इस तरह के हैं ये, इसमें मिरर लगा हुआ है बीच में और नीचे कलरफुल हैं। तो आप इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ इसे बहुत ही इजीली वेयर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से लगते हैं ये आपके कानों में, और ये देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं ये, और आप इसे इंडियन या वेस्टर्न किसी भी ड्रेस पर वेयर कीजिए, दोनों पर ये बहुत ही अच्छे से सूट करते हैं। और ये 20 रुपीज के हैं। एंड देन उसके बाद है ये, इसका थोड़ा सा थ्रेड निकल रहा है सो माइंड मत कीजिएगा। तो ये येलो कलर के हैं, ये मेरा एक येलो कलर का ड्रेस है उसके साथ वेयर करने के लिए हैं, और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे लगते हैं कानों में। तो कुछ इस तरह के लगते हैं ये, और आप इन्हें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह की ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं। और अगेन ये 20 रुपीज के हैं और थ्रेड से बने हुए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। जब आप किसी येलो कलर की ड्रेस के साथ इसे वेयर करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसे कि अभी भी दिखाई दे रहे हैं, बट अगर येलो कलर का ड्रेस होगा इससे मैच करता हुआ तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। उसके बाद है ये, इस तरह के इयररिंग्स, इसमें नीचे रेड कलर के टैसल्स लटक रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, रेड कलर के टैसल्स हैं इसके नीचे। और किसी भी मरून रेड कलर की ड्रेस के साथ आप इसे वेयर कीजिए, बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये, और इंडियन अटायर के साथ आप इसे अगर वेयर करेंगे तो ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा। और मुझे इन्हें पहनना बहुत ही पसंद आता है, मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं ये, आप इन्हें किसी साड़ी वगैरह के साथ भी वेयर करेंगे तो बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और 25 रुपीज के हैं ये सिर्फ। अगेन ये एक और ब्लैक कलर है, ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं इस तरह के, और कुछ ऐसे लगते हैं आपके कानों में, और आप किसी भी इंडियन या वेस्टर्न ड्रेस के साथ इन्हें वेयर कर सकते हैं, साड़ी सूट जो भी आप पहने, गाउन वगैरह। और देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं मेरे कानों में, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही यूनिक लुक देते हैं। और मोस्टली कलर मेरे पास अवेलेबल हैं, अधिकतर कलर मेरे पास जो भी ड्रेसेस हैं सभी ड्रेसेस के कलर के इयररिंग्स भी हैं। तो अगेन मेरे पास ये एक ब्लैक कलर और है, और बहुत ही सुंदर है, और ये सिर्फ 10 रुपीज का है। देन एक रेड मेरे पास और है, उस रेड के बाद ये कुछ इस तरह का है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था ये थोड़ा सा गोल्ड टच में है और ये एकदम सिल्वर टच में है, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, बस इसका सेंटर वाला डिजाइन जो है वो चेंज है। अगेन ये रेड कलर मेरे पास एक और है, और आप इसे किसी भी इंडियन अटायर के साथ वेयर कीजिए और ये बहुत सुंदर लगने वाला है। देन उसके बाद है मेरे पास ये आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लगेगा, ये आपकी वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत ही सुंदर लगने वाला है, और ओनली 10 रुपीज का है ये। उसके बाद मेरे पास ये है, और ये भी अगेन कलरफुल है, तो आप किसी भी इस तरह के जो इयररिंग्स होते हैं इनके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ इन्हें वेयर कर सकते हैं, और ये इजीली उनके साथ बहुत ही अच्छे से जाते हैं, और ये ओनली 30 रुपीज के हैं। और देख लीजिए कितने ज्यादा सुंदर हैं ये, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं ये देखिए कुछ इस तरह से, बहुत ही सुंदर है ये, और वियर करने के बाद कुछ इस तरह से आपके कानों में लगेंगे, और आप इसे किसी भी इंडियन अटायर के साथ इजीली पहन सकते हैं, सूट साड़ी या जो भी इंडियन अटायर है आपका। देन उसके बाद है ये मेरे पास ग्रीन कलर, ये देखिए अगेन ये 10 रुपीज का है, और ये मेरी इस ड्रेस के साथ भी मैच करता है, और मेरे पास एक ड्रेस और है उसके साथ भी मैच करता है ये ग्रीन कलर, और आप किसी भी इंडियन या वेस्टर्न दोनों तरह की ड्रेस के साथ इसे वेयर कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है, और बहुत ही लाइट वेट है ये। उसके बाद है मेरे पास ये ब्यूटीफुल से मल्टी कलर वाले इयररिंग्स, आप इन्हें किसी भी कलर की ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, और ये उस ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से जाते हैं।
आप किसी भी कलर की ड्रेस के साथ इसे वेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे से जाएंगे ये और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं आपके कानों पे। उसके बाद है मेरे पास ये, देखिए कितने ज्यादा सुंदर हैं ये, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ देखिए। और अगेन ये भी मल्टी कलर में है, तो मैं इन्हें किसी भी कलर की ड्रेस के साथ वेयर कर लेती हूँ और आप इन्हें किसी भी कलर के जो है इंडियन अटायर के साथ पहनेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। और ओनली ये 25 रुपीस के हैं, हाँ जी ये सिर्फ 25 रुपीस के हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये किसी भी इंडियन अटायर के साथ पहनने पे, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और सारे ही कलर्स के साथ ये इजीली चले जाते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये येलो कलर के इयररिंग्स, देखिए ये लेमन येलो है और ये येलो कलर की ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है और कुछ इस तरह से दिखाई देता है और किसी भी इंडियन अटायर के साथ आप इसे वियर करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं इस टाइप के इयररिंग्स। और ये ओनली 30 रुपीज का है। इसके जो है मेरे पास तीन कलर्स हैं, लेमन येलो, एक मेरे पास है ब्लैक कलर एंड एक मेरे पास है ऑरेंज कलर। एंड उसके बाद है मेरे पास ये मरून कलर के टैसल्स वाले इयररिंग्स, बहुत बड़े बड़े टैसल्स लगे हैं इनमें और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत ही ज्यादा हल्के हैं ये, और ये ओनली 20 रुपीस के हैं और इस तरह से कुछ नजर आते हैं आपके कानों पर। आप इन्हें मरून कलर के इंडियन या वेस्टर्न किसी भी तरह के अटायर के साथ यूज कर सकते हैं, ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों पर ही जाने वाला है और बहुत ही सुंदर पीस है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद ये उसका सेम टू सेम डुप्लीकेट पीस है, ये मल्टी कलर में है तो इसका बेनिफिट ये है कि इसे आप किसी भी कलर के जो है क्लॉथ के साथ वियर कर सकते हैं और इंडियन और वेस्टर्न दोनों पर ही जाएगा। अगेन ये भी 20 रुपीज का है और कुछ इस तरह से लगता है ये आपके कानों पर और ये किसी भी कलर के क्लॉथ्स के साथ जाता है तो ये इसकी बहुत ही अच्छी चीज है। देन इसके बाद मेरे पास है एक और ब्लैक कलर टैसल्स वाले और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है आपके कानों में कुछ इस तरह से, और आप इसे इंडियन या वेस्टर्न किसी भी तरह की ड्रेस पर वेयर कर सकते हैं ब्लैक कलर की और बहुत ही सुंदर लगेगा ये, और देखिए कितना सुंदर है। देन उसके बाद है मेरे पास एक ये छोटा सा इयररिंग्स इस तरह के, इन्हें आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस पर वियर कर सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये ओनली 10 रुपीज का है। एंड अगेन मेरे पास ये ग्रीन कलर है, अगर मैं हल्का फुल्का कहीं जा रही हूँ बाहर सब्जी मार्केट वगैरह या आसपास ही कहीं, तो मुझे इस तरह के छोटे छोटे इयररिंग्स पहनना बहुत ही पसंद है और बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये ओनली 10 रुपीज के हैं और ये मेरा ग्रीन कलर है। उसके बाद मेरे पास है ये छोटी छोटी सी बालियां, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है और ये 20 रुपीस की हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं, आप किसी भी इंडियन अटायर के साथ इन्हें पहन लीजिए कहीं भी आसपास में जाना है और ये बहुत ही सुंदर लगेंगी, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे रेगुलर यूज में छोटी इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है, तो ये है मेरा रोनी कलर जिसे मैं रोनी कलर की ड्रेस के साथ वेयर करती हूँ, मेरा एक सूट है उसके साथ। देन ये है ग्रीन कलर, इसे मैं अपना ग्रीन ड्रेस के साथ वेयर करती हूँ। देन उसके बाद है मेरे पास ये कुछ कलर्स और जो मैं रेगुलर सूट वेयर करती हूँ उनके लिए, ये है कॉफी कलर, देखिए कितना सुंदर है और ये ईच 10 रुपीस के हैं, बहुत ही सस्ते हैं ये। ये देखिए ये है ग्रे कलर, ये है मेरे पास पिंक कलर, ये देखिए स्काई ब्लू कलर, इसका येलो कलर और ये है ऑरेंज कलर। देन उसके बाद कुछ टॉप्स भी हैं, ज्यादा मैं टॉप्स वेयर करना नहीं प्रेफर करती बट कुछ टॉप्स मेरे पास हैं, जैसे कि ये मरून कलर के, उसके बाद ये डायमंड वाले, इस तरह से डायमंड हैं, पीछे पीच वाले हैं ये सारे। एंड देन उसके बाद ये गोल्डन छोटे छोटे, एक है ये कुछ इस तरह के, ये इयररिंग्स है मेरे पास छोटे छोटे से और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये, बहुत ही क्यूट लगते हैं प्यारे प्यारे से। उसके बाद है ये व्हाइट कलर के न्यूट्रल से, तो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने अपने सारे इयररिंग्स को और बहुत ही अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज है इसमें। और सेकंड थिंग इज कि अगर आप इसमें ऑर्गेनाइज करके इन्हें रखते हैं अलग अलग, आपको सेपरेट करके किसी पॉलिथीन में पॉली बैग में इन्हें नहीं रखना होगा, एक साथ ये अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं इनमें ये आ जाएंगे। और सेकंड थिंग इज कि ये ब्लैक नहीं पड़ेंगे, तो जो भी आपका पैसा है वो कभी भी वेस्ट नहीं होने वाला है,
मेरे पास ये सारे इयररिंग्स कम से कम दो दो तीन तीन साल से हैं, चार चार साल से हैं, बट सिंगल इयररिंग मैं एक सिंगल भी आपको नहीं बता सकती पीस जो मेरा काला पड़ गया हो या खराब हो गया हो। तो ये सारे बहुत ही अच्छे से रखे हैं सेपरेटली, और बहुत ही ये देखिए तो कितना ज्यादा स्लिम है ये, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रखने में इसे। आपको बिल्कुल आपकी ड्रॉज में या जहां भी चाहें आप रख देंगे, बिल्कुल भी जगह ज्यादा नहीं लेने वाला है ये। तो इस तरह से आप अपनी इयररिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब कल मैं आपको अपना फैंसी कलेक्शन बताऊंगी, तो वो मेरे पास एक अलग बॉक्स है, उसमें मैं आपको अपना फैंसी कलेक्शन बताने वाली हूँ। ये था मेरा इयररिंग कलेक्शन, जो कि बहुत ही रीजनेबल था और बहुत ही बजट फ्रेंडली था, और ये सभी मैंने लोकल मार्केट से परचेस किए हैं, लाइक सरोजनी नगर या आसपास की मार्केट से। ये दिल्ली में बहुत ही फेमस मार्केट्स हैं, वहां से मैंने परचेस किए हैं ये, और बहुत ही सस्ते हैं, 30 रुपीज से ऊपर का। मेरे जो रेगुलर कलेक्शन है उसमें कुछ भी नहीं था। और ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आप इसका सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कल जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको अपने पार्टी वेयर फैंसी इयररिंग्स बताने वाली हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर हैं वो भी। आई होप कि ये आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कॉमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कॉमेंट मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए बहुत अप्रिशिएशन देता है, बहुत अप्रिशिएट करता है, और मुझे काफी अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स रीड करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, टिल देन बाय बाय।